इस वीडियो में आज हम कुछ मज़ीद कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि जो कंप्यूटर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, या वही उन्हीं को ही हम कंप्यूटर समझते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको दिखाया गया है और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक लैपटॉप कंप्यूटर दिखाया गया है। इन्हें कंप्यूटिंग मशीन माना जाता है या कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में और भी दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिन्हें हम अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। इनके अंदर भी वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में और एक लैपटॉप कंप्यूटर की जो बुनियादी खसूसियात होती हैं वो इनके अंदर भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं एटीएम मशीन की। अगर आप अपने आसपास कहीं पे भी एटीएम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एटीएम से क्या मुराद है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या करती है कि जब आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो ये आपकी मतलूबा रकम आपको फराहम करती है। अब इस पे अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी वो तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर जो इसके मेन ऑपरेशन हैं, उसके अंदर मेन ऑपरेशन क्या हैं कि इसके अंदर एक इनपुट होता है, उसके लिए हम माउस एंड कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोई इनपुट कमांड देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा सिस्टम यूनिट है, ये क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करता है और यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे रिजल्ट आउटपुट आ जाता है। तो यही तमाम काम इस कंप्यूटिंग डिवाइस में भी हो रहा है जो कि यहाँ पे एटीएम मशीन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे जो आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो आप अपना कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, ये दरअसल यहाँ पे क्या है? ये दरअसल यहाँ पे इसका इनपुट है। उसके बाद इसके अंदर वही प्रोसेसिंग जिस तरह की यहाँ पे सिस्टम यूनिट में होती है, इसके अंदर भी वही प्रोसेसिंग होती है, यानी इसका अपना एक प्रोसेसर होता है और जो क्या करता है कि हमारी कमांड को प्रोसेस करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो है इसकी अपनी एक मेमोरी होती है जो कि हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, और उसके बाद जब प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती है तो स्क्रीन के ऊपर हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो जाता है कि आपकी मतलूबा रकम जो है वो हासिल कर ली गई है, जो कि इसका आउटपुट है। तो ये भी हमारी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो इस तरह की कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमारी माहौल में और भी बहुत सी हैं। आपने सिंपल ये देखना है कि अगर कोई भी मशीन जिसके अंदर इनपुट आउटपुट और प्रोसेस करने की सलाहियत है और वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर रही है, तो इस तरह की जो मशीन है कंप्यूट कर रही है, इस मशीन को कंप्यूटिंग या कंप्यूटर हम कह सकते हैं। अब हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसा कि आजकल आप अपने घरों में डिजिटल वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक डिजिटल मीटर नज़र आएगा जो क्या करता है कि कैलकुलेट करता है, काउंट करता है टाइम को कि आपकी जो जो यहाँ पे जो कपड़े धुल रहे हैं उसको कितनी देर तक आपने धोना है। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप इसको इनपुट देंगे उस हिसाब से ये आपकी मशीन जो है वो प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करके बाद इस मशीन को ऑपरेट करेगी। इनके अंदर जो सिस्टम लगा होता है इसको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ पहले से ही डिज़ाइन कर दी जाती हैं। हमने सिर्फ बटन प्रेस करना होता है और उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम जो है उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट्स फराहम करता है। तो डिजिटल वॉशिंग मशीन के अंदर भी एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस लगी हुई है जो कि आपके इनपुट को प्रोसेस कर रही है। इसी तरह अगर हम इसकी और एग्जांपल लें यहाँ पे, तो सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी ये है कि आजकल हम स्मार्टफोन जो यूज़ कर रहे हैं ये भी एक कंप्यूटर है इट्सेल्फ, ये भी अपना अंदर एक पूरा एक कंप्यूटर है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर इसका एक अपना प्रोसेसर होता है, एक इसका अपना एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो क्या करता है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। उसके साथ साथ इसकी अपनी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि डाटा को टेम्प्ररी स्टोर करती है। इसकी अपनी रोम होती है, यानी वो तमाम हार्डवेयर जो कि हम डेस्कटॉप या लैपटॉप में पढ़ते हैं वो तमाम इसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। तो स्मार्टफोन भी हमारे पास क्या है? ये भी एक कंप्यूटर की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह इसकी अगर बात की जाए, यहाँ पे आप अपने घर में माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमारा एक एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ है जो कि हमारी प्रोसेसिंग करता है,
जो भी हम यहाँ पे टाइमिंग देते हैं उस हिसाब से वो हमारे खाने को गर्म कर रहा है। तो इसके अंदर भी पूरी यही प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, इसकी अपनी एक रैम है, अपनी इसकी एक जो कि हमारे उस डेटा को स्टोर कर रही है बाइनरी फॉर्म में। तो ये भी एक एग्जांपल है कंप्यूटर की। तो इस तरह आप अपने माहौल में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जब गौर करेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंप्यूटर्स ने हमारी आसपास की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बना दिया है। और ये जो हमारी प्रोसेसिंग चिप है, ये डिफरेंट हमारी मशीन्स के अंदर अभी इस्तेमाल होने लगी है, जिससे हमारी मशीन्स की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि कंप्यूटिंग जो दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो दरअसल क्या हैं, जो कि कंप्यूटर के अलावा हमारे आसपास मौजूद होती हैं।